नमस्कार अर्गस सुपरफास्ट को स्वागत करुछु मथुरी नजर पकाइबा किछ गुरुत्वपूर्ण खबर पर बेगुनिया रक्तमुखा मानववादी संगठन मुख्य बीजेडी लिंक राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मंचर मुख्य मानस दास 2019 बीजेडी रे सामिल होइतिले निर्वाचन रे प्रचार करथिले लोकंकु बीजेडी रे सामिल बेकराइथिले बीजेडी रे छत्र छाय रे रही बेगुनिया रे तालिबानी शासन चलाइछन्ते मानस संगठन रे सामिल न हेबारु बाप पुंकु माड़ मारि पारो वीडियो वायरल होइतिला आज खोर्धा बेगुनिया कड़पा गाँव में पहुंची जांच आरंभ करिछन्ते नयागढ़ एसपी। हाँ से मानववाद संगठन ना उठू किंतु यहाँ हूँ राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंच से संगठन में कंप्लेन मेम्बर थी से कंप्लेन कल रिपोर्ट गोटे से रिपोर्ट में सात जन रिपोर्ट देत जन भितर बर्तमान छः जन आरेस्ट भितर अच्छा आउ जे आक्यूज अच्छी आरेस्ट करद चली मानस दास ना जब उठू आम तदन करुँ बर्तमान सुधा मैंने तदन नसला पर्यटन कहींपर इनवल्वमेंटा कौन अच्छी ओडिशा कटक रे थिबा प्रथम ईएसआई हॉस्पिटल को केन्द्र श्रम मंत्री रामेश्वर तेली अचानक गस्त प्राय एक घंटा मेडिकल वार्ड बुली देखिले केन्द्रमंत्री देश में 160 बीमा चिकित्सालय थे ओडिशा यह सर्वप्रथम तेज हॉस्पिटल अवस्था शोचनीय थिबा बेले डाक्टर अभाव रही है एने विरक्ति प्रकाश करने यार उन्नति दिगरे आलोचना करिसेंति केन्द्रमंत्री अभिनेता बॉबी मिश्रा नाँ से संगीन अफि चौक मद निशार बंधुक देखा पड़ोशी पत्नी को बाहर जिद धरुले बॉबी थाना अभियोग पर बॉबी को अटक रखिला नयापल्ली पुलिस तेज नोटिस देवास बॉबी को छाड़ सूचना मिली ए बाबद अधिक सूचना रिपोर्टर रोशन रथ आम सहित जोड़ रही रोशन बर्तमान कौन अपडेट आस बर्तमान जहाँ अपडेट आसी बॉबी मिश्र को नयापल्ली थाना पुलिस गिरफ्त करता जो गिरफ्त कराइला विरोध में जो मामला गुड़िक दफा गुड़िका बेलेबुल दफा था 506 दफा था 323 था तेणु यही दफा गुड़िक थाना बेल मिली जाए तेणु बॉबी मिश्र को थाना नोटिस दे छड़ाई जेहेतु विरोध में सेमती किसी संगीन दफा ना तेणु थाना नोटिस दे छड़ाई कितु यह वार्न कराई आग को जदि सेमती किसी गंडगोल करते कि पाटितुंड करती विरोध में संगीन दफा लगे कि प्रथम परिस्थित गिरफ्त कर जेहेतु विरोध में अभियोग अनुसार जो सब दफा गुड़ी अवेलेबल दफा थी थाना नोटिस दी छड़ाई ओके बहुत बहुत धन्यवाद रोशन आपंकर तमाम सूचना भारतीय रग्बी दलर प्रयोजक हेले ओडिया सरकार ओ किट तीन वर्ष पर रग्बी इंडिया सहित चुक्ति स्वाक्षर कले उभय राज्य सरकार व किट आग को अंडर 18 दल एशियान चंपिशिप भाग नाक अगस्ट 14 किट्रे रग्बी जितिय क्यांप आयोजित कर ट्रेनिंग खेला चयन होस्त खेला भिड बार्तार शुभेच्छा जनाई मुख्यमंत्री समवाय दुर्नीतिर बड़ खुलासा कर पूर्वतन समवाय मंत्री दामोदर राउत एडसमार नुआडीही पंचायत में 700 चाषी नाँ 1,60,00,000 टंका लुट नहीं अभियोग आने दाम इन्हें पूर्व समवाय मंत्री राजा स्वाई को चिठी लिखि कटक केन्द्र समवाय बैंक अधीन सब अंचल आसुच्छे केन्द्र समवाय बैंक सभापति अच्छा मंत्री भाई से बोधे कार्यानुषान अभियोग कार्यानुषान न समवाय बैंक स्थित आहरी खराब हो दाम राउत निकट रे आठगढ़ समवाय बैंक रे जो दुर्नीतिर पर्दाफाश होता आहरी सांघातिक घटना घटी एक समय समवाय ब्रांच समवाय बैंक नुआडी पंचायत रे नुआडी पंचायत नुआडी पंचायत ये पंचायत हूँ मो घर पंचायत मो निज पंचायत सेठी से ब्रांच मैनेजर आज जन आसीस्टाट सेक्रेटरी मिसिक 700 चाषी ऋण पकड़ कोटे 60,00,000 से टा को आने की अभियोग होश जमी कि चाषी मैंने एक जान लापर ब्लक घेराव कले थाना घेराव कले केन्द्र समवाय बैंक को लिखिले कौन सी फल है ये कथा मो दृष्टि आसला मुझे समवाय मंत्री रणेन्द्र प्रसाद स्वयं एक व्यक्तिगत चिठी लिखी सी चिठी लिखला सी जन अफिसर को पठाई थे शुणी सी मैं नुहारी जाते चाषी मैंने भेटिक सब कथा कहले तथा तो कौन से कार्यानुषाना पूरी अस्तरंग निमापड़ा पिछु दुर्नीति घटन कार्यानुषान अर्गस न्यूज़ खबर प्रसारण पर दुई जंत्री को निलंबित कले पूर्त विभाग सचिव निमापड़ा सहकारी जंत्री शारदा प्रशांत काकटपुर जंत्री
जगन जेना सस्पेंड ठिकादार को अनुकंपा देखा सह निम्न मानर काम को प्रश्रय देवे कार्यानुष्ठान 31 किलोमीटर रास्ता दुर्नीतिर तदंत करुथिले पुरी जिलापाल। आज ढेंकानाल जिलार सदाशिवपुर कमन यूजर फैसिलिटी भूमिपूजन करिछन्ते केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से कार्यक्रम में सामिल होते केन्द्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी। सदाशिवपुर प्रधानमंत्री पूर्वोदय कल्पन 42,000 किलोलीटर स्टोरेज क्षमता विशिष्ट संपूर्ण स्वयंचालित तैल डिपो निर्माण कर 50 एकर जमीन निर्माण होगा। प्रकल्प में 395 कोटि पुंजी निवेश करेंगे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल। 2023 अगस्त शेष आड़ प्रकल्प काम शेष हो लक्ष्य रखी। यार सुविधा द्वारा पारादीप टर्मिनाल पेट्रोलियम सामग्री बारंबार परिवहन करिबा को पड़िबो नाही। कमन यूजर फैसिलिटी सीधा सड़क पेट्रोलियम उत्पाद परिवहन होगा द्वारा परिवहन खर्च ह्रास हो। अनुगुल, केन्दुझर, देवगढ़ और ढेंकानाल जिला प्रकल्प द्वारा विशेष उपकृत हेबे। गंजाम जिले में मरुड़ी स्थिति अनुध्यान करिछि बीजेपी तीन जनिया टीम विभिन्न अंचल चाष जमी बुली देखिबा सह जलसेचन व्यवस्था को नहीं राज्य सरकार को ऊपर बरसी बीजेपी। सरकार जथा शीघ्र मरुड़ी घोषणा करी चाषी को फसल बीमा राशि प्रदान करंतु बोली दावी रखिछन्ति प्रतिनिधि दल। राज्य में कोरोना मृत्यु में लगुनी ब्रेक। आज कोरोन प्राण हर 68 जन कोरोन 25 जन जीवन नहीं खोर्धा और केन्द्रापड़ 7 जन जीवन जापटे राज्य में 779 जन कोरोन आक्रांत होते खोर्धार सर्वाधिक 269 जन आक्रांत चिन्हट होती कटक 84 बालेश्वर 69 आक्रांत चिन्हट होती। आज चिन्हट होता आक्रांत 105 जन अच्छा 18 वर्ष कम वर्ग में जहाँकि दिनकू दिन चिंता बढ़ाऊ। गतकाली कोरोन दुई शिशु जीवन जाए। तृतीय लहर में शिशु मैंने अधिक संक्रमित होगा सतर्क कराइले स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र। यार मुकाबला समस्त प्रकार व्यवस्था करा से कहते शिशु मानी स्वतंत्र बेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चली। सेपटे केरल में संक्रमण वृद्धि पाइबार लगी ओनम जो केरल में संक्रमण वृद्धि होता कहते विजय महापात्र। मेन जिनस है जो भी थर्ड वेव हो कि न हो आमर स्टेप्स हवा कथा आम राज्य केमी न बढ़ु आम राज्य केमी लोक मैंने सीरीयस हूँ ना आम लेवल ले केमी आम कंटेन कर पार कौन मैंने फास्ट आउ सेकेंड सर्जर में शिशु मैंने भी एफेक्ट होते बर्तमान भी एफेक्ट होती। द्वितीय जिनस है बर्तमान आमर एक्सपर्ट मैंने कौन जे आम सदा कही आसु बारंबार कही आसु जे आशा अच्छी जे यर एफेक्टा यमर इनवल्वमेंटा आ भितर बेसी हो पाए कार शिशु मानक एडोलेसेंटर आम से आम आपण मानक आगुरु भी कही स्पेशल स्पेसिफिक बेड आम रखुचे पेडियाटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जोटा सरकार निर्देश चलती आम शिशु भवन में ताली आमर पेडियाटिक पेसेंट मानक जदि असुविधा है एडमिशन से मेमी ट्रिटमेंटा कराब टे जोटा डिफरेन्ट अच्छी एडल्ट ट्रिटमेंट तापर ट्रेनिंग चलती तेज आम सब प्रकार व्यवस्था नौ छू। केरल पॉजिटिविटी रेट बहुत बेस बढ़ला ओनम जोबले खोला है आम से शिखा ताकु आखि आगे रखिकी विभिन्न इनपुट नहींक्र सेंट्राल गवर्नमेंट कर गाइडलाइन अच्छी आम पार्वण भितर जो फेस्टिव सीजन आस आम निजी केमी कंट्रोल रखा तेणु सब इनपुट नहीं के सरकार निश्चय आप भल भाव जानते ठीक टाइम आगु आम गाइडलाइंस जीव एसआरसी ऑफिस तरफ सरकार जहाँ निर्देश थी निश्चय भाव में जोटा कर गोटे भल जिन आखि आगे रखी कर दादावटी खणि व्यवसायी को अपहरण घटना वेब चैनल महिला सांबादिकों समेत 5 अभियुक्त गिरफ। मुख्य अभियुक्त राज नामक युवक फेरार गत 5 तारीख में बड़बिल व्यवसायी और सहयोगी अपहरण करते अभियोग पर अपहरणकारी गिरफ कर नंदनकानन थाना पुलिस। खणि व्यवसायी 10,00,000 टंका बट्टी आदाय सह 2 दिन माड़ मारी अभियुक्त अभियुक्त निकट बंधुक जबत कर पुलिस। राज्य में ठिका निजुक्ति बंद पर दावी करिछि कांग्रेस। यहसह ठिका निजुक्ति बंद नहेबा जाए ठिका कर्मचारी सप्तम वेतन कमिशन अनुसार दरमा देवा दावी होइछि। राज्य में 65,000 ठिका निजुक्ति सृष्टि करिछन्ति राज्य सरकार। ए बाबद में मासिक 150 कोटी टंका और वर्षक 2,000 कोटी टंका कमिशन खाउथिबा अभियोग होइछि।
ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ସରକାର ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଚାକିରି ଭଳି ଏକ ଅତି କୁତ୍ସିତ ପରମ୍ପରା 2013-14 ମସିହାରେ ଆଣିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ପାଖାପାଖି ଏମାନେ 60,000-65,000 ଏଇଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇସାରିଲେଣି। ଯେ ଯେଉଁ 65,000 ସରକାରୀ ଠିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଠାରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 15,000 ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସରକାର ତାଙ୍କ ପେଟକୁ କାଟିକି ରଖୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଉନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁରଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କାରଖାନା ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣୀକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। ବାରମ୍ବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ନିଜ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ କାରଖାନାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧକୁ ଦେଖି ଜନଶୁଣାଣୀକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହାତରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବ୍ୟବସାୟୀ 2 kg 402 g ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ। ଏହାସହ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀ ଏସ୍କେ ରାଜୁ ସହ ତାର 3 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ରାକେଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ପେଣ୍ଠ ଗାଁରେ ଧର୍ମସେନା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବେଦାନ୍ତ କେଶରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସ ପାଳିତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧର୍ମସେନାର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ସଂଯୋଜକ ଉମେଶ ଦାସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରମୁଖ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗିରି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ୍ଠାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଏଥିରେ ଚମ୍ପୁଆ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିଜେଡି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଚୋରାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମୁରଲୀ ମନୋହର ଶର୍ମା। ବୈଠକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ 10 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ଧନପୁର କୋରେଇ ରାସ୍ତାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜଣେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନାର କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ସମୀର ପ୍ରଧାନ। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। 2016 କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ସରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ତେବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କାମ ସରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି ବିଜେପିର ଏକ ଟିମ୍। ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଦେବଗଡ଼ ଆସି ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରିଆପାଳ ତିଲେଇବଡ଼ି ଏବଂ ବାରକୋଟ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ରାଣୀତାଲ ନିକଟରୁ ନକଲି ମଦ ବୋଝେଇ ଅଟୋ ଜବତ। ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ମଦ ଜବତ କରିଛି କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଗୁଇନ୍ଦା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। 30 ଲିଟର ମଦ ଜବତ ସହ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନକଲି ମଦର ମୂଲ୍ୟ 25,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ଖବର ଅଭିଯାନ ସମୀକ୍ଷକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ନଟିଆପାଳ ଗାଁରେ ନବବଧୂର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାକେଶ ନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାହାସ ମଞ୍ଜରୀ ନାୟକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକେ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାପ ଘର ଲୋକେ। ଏନେଇ ମେଡିକାଲରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସିଆଡ଼ିମଳ ପଞ୍ଚାୟତର ପାମନ୍ଥ ଏବଂ କନ୍ଦମଶୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ 8,800 ଲିଟର ପୋଚ ନଷ୍ଟ ସହ ବିଭିନ୍ନ ରନ୍ଧା ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ମଦ ମାଫିଆମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପିପିଲି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକ। ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ବେଳେ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ କହିଛନ୍ତି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ଅଧିକାରୀ। ରାୟଗଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍କାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କରି ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି
सिक्युरिटी फोर्सर कार्यरत कर्मचारी प्रज्ञा परमिता मंत्री इस्तफा दावी में रायगड़ा नगर बीजेपी महिला मोर्चा तरफ कपिलास छक विक्षोभ प्रदर्शन सह कुश पुतलिका दाह कर सेपटे आम आदमी पक्ष मुख्यमंत्री उद्देश्य से जिलापा दावीपत्र प्रदान कर केन्दुझर आनंदपुर मुख्य चिकित्सा टीकाकरण में कर्तृपक्ष अवहेला अभियोग सूचना अभाव दूरदूरांतर आसे निराश हो फेरुंट लोके भोर चार धाड़ी में ढड़ा हो टीका मिल अभोग मेडिकल कर्तृपक्ष दृष्टि देवा दावी केन्दुझर घसीपुरा थाना गोहिरा गांव में स्त्री को स्वामी निर्यातना देउथिबा अभियोग प्रतिदिन मद्यपान कर स्वामी निर्यातना देउथिबा ने थाना एतला देइछन्ते पीड़िता घटनार तदंत कर गंजामासिका थाना कोटीनडा फांटी धोबाड़ी गांव रास्ता कड़ मृतदेह उद्धार मृतक मागुरा गांव कालिया साहू मृत्युर कारण जमापड़ना मृतदेह देखिए कोटीनडा फांडी को खबर देते अंचलवासी मृतदेह को व्यवच्छेद पठाई तदंत कर गजपति पारलखेमुंडी मुख्य चिकित्सा डाक्तरों अवहेलू रोगी मृत्यु अभियोग प्रतिपाद में मृतकों पर पक्ष मेडिकल आगे विक्षोभ कर गतकाली पेट काटू से ही सेरी साहय नाका लक्ष्मण राव को डाक्तरखाना भर्ती कर तेज चिकित्सार अवहेलापर मृत्यु होता अभियोग कर लोके तहसिलदार और पारलखेमुंडी थाना आईआईसी पहुंची लोकों को बुझासुझा कर अफगानिस्तान सीरीज विस्फोरण पर आमेरिकार आक्रमण अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमार नगरहार एक अंचल आईएसआईएसके उपर ड्रोन आटाक कर आमेरिका टार्गेट्रे आईएसआईएसके आतंकी तथा काबुल विस्फोरण मास्टरमाइंड निहत होता जमापड़ काबुल विस्फोरण पर प्रतिशोध नेबा को कहते आमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन तालिबान को भेटिला जम्मू और काश्मीर सक्रिय आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद मुख्य मसूद अजहर भारतीय गुइंदा संस्था पक्षर एभली सूचना दीजिए गत अगस्ट तृतीय सप्ताह तालिबान मुल्ला बरादर को आतंकवादी संगठन जैश्र किसी सदस्य भेटी सूचना रही भारत विरोधी षड्र में तालिबान सहायता जैश ही गुप्त बैठक आलोचना कर सहित पाकिस्तान राजनैतिक स्थित नहीं आलोचना कर सूचना पर भारतीय सेना और गुइंदा विभाग हाई अलर्ट जारी कर पैरालंपिक्स में देश को मिल प्रथम मेडाल महिला टेबुल टेनिस फाइनाल रे भारतीय पारा टेबुल टेनिस खिलाड़ी भाविना बेन हसमुखाभाई पटेल सेमिफाइनाल रे चीन खिलाड़ी मियायु झांगो को परास्त फाइनाल रे प्रवेश करिछंती कड़ा टक्कर मैच रे भाविना बेन प्रतिपक्ष को 3-2 सेट रे हराइछंती भाविना सफलतार प्रधानमंत्री ट्वीट कर शुभेच्छा जणाइछंती सारा देशवासी आसंताकाली आपणक सफलता प्रार्थना करुछि बोली मोदी कहिछंती समय एक छोट ब्रेक रे ब्रेक पर खूब शीघ्र फिर ब्रेक पर स्वागत राजधानी में चमकिला टोक्यो ओलंपिक्स पदक विजेता चित्र दिल्लीर विभिन्न रास्तार टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता ग्राफिट चित्र अंका दिल्ली स्थित पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन निकट में यह चित्र अंका जावलिन थ्रोर नीरज चोपड़ा रेसलर रवि कुमार दहिया और बजरंग पुनिया समेत अन्य विजेता ग्राफिट चित्र अंका जहां देखापी लोकों भितर भिड़ जमी रही भारतीय तटरक्षा बाहन को मिला नुआ युद्ध जहाज आज देशर कोस्टगार्ड में सामिल होकर निर्मित कोस्टगार्ड सिप विग्रह चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट
इंडक्शन कार्यक्रम अनुष्ठित होता। केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यह अवसर में उपस्थित रही थे। अत्याधुनिक ज्ञानकौशल निर्मित यह कोस्टाल सिप्र लंब 100 मीटर एन्नतमान नाभिगेशन सिस्टम और सेन्सर लगाई। विग्रह ओपीवी सीरीज सप्तम पोत विग्रह पूर्व भारत समुद्र मार्ग सुरक्षा में नियोजित रहा। It gives me immense pleasure to be present amongst all of you on the occasion of commissioning of state of the art Coast Guard ship Vigraha today. The commissioning of this ship showcases significant improvement in our coastal defense capability as also our ever increasing self reliance in the defense sector. I extend my heartiest congratulations and best wishes to all the stakeholders involved in this event. Friends, I have been told that this ship, which is about 100 meters long, is equipped with the latest technologies of the day. Be it the...